India in the 90 kg weight category. Aa rahe hain from Kirak, Hyderabad, four times a national champion. He is strong as a mountain. Let's get on the table, Siddharth Malakar. Awesome. खिराक हैदराबाद के सिद्धार्थ मलकर नेशनल स्तर पर लगातार चैंपियन. अब इनके जिंदगी का सबसे बड़ा मैच. क्या आज अपनी छठी जीत, लगातार छठी जीत हासिल कर पाएंगे? और अब आ रहे हैं उनके अगेंस्ट वो जिनका एक्सपीरियंस इन आर्म रेसलिंग इज अमेजिंगली लॉन्ग एंड इज अ मल्टीपल टाइम्स चैंपियन. प्लीज वेलकम फ्रॉम द कोची केडीज, शेख मोहम्मद अब्रार. प्रो पंजा लीग में हमने कई सारी कहानियों को जन्म लेते देखा है, लेकिन उन सब कहानियों में से शेख मोहम्मद अब्रार की कहानी आपके दिल को छू लेगी. इस लीग को शुरू होने के लिए बस कुछ ही दिन रह गए थे, तब इन्होंने अपनी माँ को खो दिया. शेख मोहम्मद अब्रार को लौटना पड़ा अपने घर क्योंकि इनकी माता का देहांत हुआ, पर ये लौटकर वापस आए इस स्टेज पर और लड़ रहे हैं. आज आखिरी दिन तक संघर्ष कर रहे हैं. चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं एक समय पर. 7 साल उम्र में बड़े हैं सिद्धार्थ मलकर से. कद एक समान है, वजन दोनों तरफ 90 किलो है. मोहम्मद अब्रार ने कई सारी भावनाओं को अंदर दबा कर रखा है. क्या आज इस फाइनल में उनकी कहानी और भी खूबसूरत बन पाएगी? कह रहे थे अपनी माँ के लिए जीतना चाहेंगे. ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रक्स में बहुत वजन का सामान उठाते हैं अपने कंधों पर. वहां पे ही इनका वर्कआउट हो जाता है, मोहम्मद अब्रार का. लेकिन सिद्धार्थ मलकर के मन में सिर्फ और सिर्फ उनकी छठी जीत की तलाश चल रही है. किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला? मैचेस जीतने की अगर बात करें, दोनों साइड से सब कुछ बराबर. दो दो मैच अंडर कार्ड में दोनों टीम्स के नाम, दो दो मैच मेन कार्ड में दोनों टीम्स के नाम. अंतर अब बनेगा, फर्क अब नजर आएगा जब यहां शेख मोहम्मद अब्रार या सिद्धार्थ मलकर कोई एक जीत पाएंगे. ओके, अभी तक बहुत मुश्किल रहा है किसी के लिए भी सिद्धार्थ मलकर को रोकना. काइल कमिंग्स ने उन पर चैलेंजर राउंड लगाया था, चाहते तो हरा सकते थे सिद्धार्थ को आसानी से, लेकिन जानबूझकर एक रणनीति के तहत 3 राउंड्स वो हार गए थे, जो रणनीति उन्हें पेनल्टी तक ले गई थी और फाइनल में भी वो नहीं पहुंच पाए. सिद्धार्थ को क्या 10 सेकंड पर रोक पाएंगे मोहम्मद अब्रार जी? नहीं, एक आसान पिन उन्होंने वहां पर कर दी है, बहुत ही क्लीन टॉप रोल लगाया. बहुत मुश्किल सिद्धार्थ मलकर के टॉप रोल को रोक पाना. एक आसान जीत दर्ज की है यहां पर. किराक हैदराबाद की टीम लीड कर रही है इस फाइनल को, और उस लीड को और ज़्यादा बढ़ाते हुए सिद्धार्थ मलकर. मोहम्मद अब्रार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं इस मैच में कुछ करने के. इससे पहले एक मुकाबला वो खेले थे 1 अगस्त को, जहां पर बड़ौदा बादशाह के हरमन मान ने उन्हें हराया था. प्रो पंजा लीग के इस फाइनल में गलती की गुंजाइश एकदम ना के बराबर है, नो मार्जिन फॉर एरर, क्योंकि जो खिलाड़ी
जीत की उम्मीद लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। अगर उनमें से कोई भी कुछ भी गलती कर देता है तो वहां पर उनकी टीम हार सकती है। इसी वजह से हर एक खिलाड़ी को अपनी पूरी कोशिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पांच में से अपने तीन मैच सिद्धार्थ मलकर क्लीन स्वीप के साथ जीते हैं, यानी कि तीन राउंड लगातार अपने नाम किए हैं। दो बोनस पॉइंट मिल सकते हैं यहां अगर वैसा ही कर दिखाते हैं। एक राउंड उनके नाम गया है, दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। डोंट मूव कहते हुए मेन रेफरी मोहम्मद अबरार की वहां शुरुआत में ही ये रणनीति थी कि मैं अपने हाथ को स्लिप में ले जाऊं। अब देख सकते हैं सिद्धार्थ ने दोबारा हाथ को पकड़ा, लेकिन फिर मोहम्मद अबरार ने अपने हाथ वहां से निकाल लिए क्योंकि वो स्ट्रैप में खेलना पसंद करते हैं। सिद्धार्थ किराग हैदराबाद के अपने चाहने वालों को कह रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित करिए, आपका समर्थन मैं लेना चाहता हूँ। मैच के बीच ही कॉन्फिडेंस देखिए सिद्धार्थ का। मोहम्मद अबरार ने चाहा स्ट्रैप्स बांधे जाएं और अब बांधे जा रहे हैं। क्या यहां पर पलटवार कर पाएंगे? मोहम्मद अबरार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर जसपीर चावला, उन्हें हराया था कुछ साल पहले। चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं, खामोश रहते हैं अक्सर मोहम्मद अबरार, लेकिन टेबल पर अपना प्रदर्शन कमाल का दिखाने की काबिलियत रखते हैं। सिद्धार्थ मलकर कल हमें नजर आए थे, जीते थे सेमीफाइनल में, और स्टीव सिंह को कल उन्होंने हराया। कहानी वैसी ही यहां नजर आ रही है। क्लीन स्वीप कल दिखा था सेमीफाइनल में, यहां भी वही शोर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और जोर से कह रहे हैं सिद्धार्थ मलकर, मुझ तक पहुंचनी चाहिए आपकी आवाज। क्लीन स्वीप के बहुत करीब आ गए हैं एक बार फिर से सिद्धार्थ। कोशिश पूरी है मोहम्मद अबरार की तरफ से। 15 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन वो एक्सपीरियंस आज काम नहीं आ रहा है इस लेजेंडरी खिलाड़ी के खिलाफ। सिद्धार्थ मलकर ने आर्म रेसलिंग की शुरुआत की थी लगभग अब से 8 साल पहले, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा नाम अपने लिए उन्होंने बना लिया था। अपनी आर्म रेसलिंग के शुरुआती 2-3 सालों में ही वो टॉप लेवल पर पहुंच गए थे अपनी वेट कैटेगरी के, और वो डोमिनेंस को यहां पर जारी रखते हुए नंबर 5 सीड थे यहां पर प्रो पंजा लीग के रैंकिंग टूर्नामेंट में। वहां पर इन्हें हरमन मान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जिस तैयारी के साथ आए हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इन्हें हरा पाना। क्या एक क्लीन स्वीप आएगी या एक बार और स्ट्रैप में खेलने का मौका? जी हाँ, स्लिप के चांसेस बने हुए हैं, और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ और मुस्कुराते हुए किराक हैदराबाद के टीममेट्स। स्लिप देखिए, स्लिप में तो मोहम्मद अबरार ठीक ठाक टक्कर दे पा रहे हैं सिद्धार्थ को, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रैप बंद जाता है उसके बाद पूरी टॉप रोल पावर लगती है सिद्धार्थ की, वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाते। देखिए किस तरीके से यहाँ फिंगर्स में फाइटिंग हो रही है। सिद्धार्थ का हाथ वहां पर ऊपर से गया और मोहम्मद अबरार ने स्लिप ली एक अंदर से। इस स्ट्रैप मैच में एक आखिरी मौका बना हुआ है मोहम्मद अबरार के पास। अगर यहां पर कोई चमत्कार कर देते हैं, और सिद्धार्थ को रोकने के लिए चमत्कार की ही जरूरत होगी, अगर ऐसा कर पाते हैं तो शायद कोची केडीज को जीत दिला देंगे, क्योंकि मजाहिर साइडू को तो रोक पाना नामुमकिन सा ही है फाइनल में। उम्मीद यहां पर क्लीन स्वीप की है किराक हैदराबाद के प्लेयर से। अगर ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं तो शायद इस फाइनल को नहीं जीत पाएंगे। जीत के बहुत करीब एक बार फिर से सिद्धार्थ मलकर। क्या कोई टेक्निक में बदलाव करेंगे मोहम्मद अबरार? रेडी गो हुआ एक बार फिर से क्लीन टॉप रोल, 1 सेकंड के अंदर ही पिन कर दिया अपने ओपोनेंट को, गले लगाते हुए इज्जत दिखाते हुए
पर अपनी टीम को कोई खास इज्जत नहीं दिखा रहे। यहाँ पर रिव्यू की मांग की है कोच मैक्सिम ने, शायद कुछ डूबते को तिनके का सहारा जैसा ढूंढना चाह रहे हैं यहाँ पर वो। क्या कोई गलती हुई यहाँ पर सिद्धार्थ से? नीतू वर्मा आपके स्क्रीन पर, वैसे तो बड़ौदा बादशाह की स्टार हैं, लेकिन आज सपोर्ट पूरा दे रही हैं, किराक हैदराबाद की जर्सी पहनकर आई हैं। सर्गे सोकोलोव हमारे मास्टर रेफरी अब तय करेंगे कि क्या यहां सिद्धार्थ मलाकार की जीत पक्की है, क्या उन्हें मिली है एक और क्लीन स्वीप। तीन क्लीन स्वीप उनके नाम रही हैं पिछले दो हफ्तों में। कोई अर्ली मूवमेंट नहीं, क्लीन पिन, हाथ भी बिल्कुल सेंटर में, शोल्डर्स भी स्क्वायर। एंड द डिसीजन इज हियर, क्या है नतीजा? किराक हैदराबाद, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ लीड ऑफ 10 पॉइंट्स। जी हाँ, कांग्रेचुलेशंस, द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। असफल रहा रिव्यू कोची केडीज का, अब आना होगा उनके सर्वश्रेष्ठ कैप्टन, भारत के नंबर वन मज़ाहिर साइडू को उन्हें वापसी दिलाने में। आपसी सम्मान सिद्धार्थ और मोहम्मद अबरार, कहानी शेख मोहम्मद अबरार की कमाल की रही है। अपने माँ को खोने के बाद इस तरह से लड़ते रहना दिन प्रतिदिन बहुत बहुत मुश्किल, और हम उनके स्पिरिट को सलाम करते हैं। 10 पॉइंट का अंतर, किराक हैदराबाद ये सामने आ रहे हैं, ये पहाड़, ये चट्टान, मज़ाहिर साइडू इनका नाम, उनके सामने 6 फुट 5 इंच के उज्जवल अग्रवाल ब्रेक के उस पार।